हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पत्नी क्या चाहती है अपने पति से। दोस्तों, अक्सर हम कह देते हैं कि पति पत्नी को तो एक दूसरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो बिना कहे ही एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। लेकिन साथ ही हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कुछ पति पत्नी तो हमें बहुत खुश नजर आते हैं, जबकि कुछ पति पत्नी के बीच हमें महसूस होता है कि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इनके बीच में थोड़ी बहुत खींचातानी चलती रहती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि कुछ पति ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी पत्नी आखिर में उनसे क्या चाहती है, उनसे क्या उम्मीद करती है। दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका अगर आपने ध्यान रखा तो आपका गृहस्थ जीवन भी बहुत खुशहाल बन जाएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके खास पलों को याद रखे। एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसका बर्थडे याद रखे, उसकी एनिवर्सरी डेट याद रखे, वो दोनों कब पहली बार कहां मिले थे, उसके ऊपर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसी छोटी छोटी बातें वो चाहती है कि उसका हस्बैंड याद रखे। और अपने पार्टनर की खुशी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में याद रखना मुश्किल काम ही नहीं है। आप कहीं पर भी लिखकर इसे सेव करके रख सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप अपने जीवन में खुशियों के रंग भरते रहेंगे। इसमें सेकंड बात आती है कि एक पत्नी चाहती है कि उसकी घर के छोटे छोटे कामों में राय ली जाए। यानी कई बार हम देखते हैं कि घर में छोटी सी चीज लेकर आनी होती है, जिसमें वो अपने परिवार के दूसरों व्यक्तियों की तो राय ले लेता है, लेकिन अपनी पत्नी की राय लेना भूल जाता है। ऐसे में एक पत्नी चाहती है कि उसकी भी वैल्यू की जाए, उसे भी उस परिवार का सदस्य समझा जाए। मान लीजिए आपने घर में कोई गाड़ी ही लेकर आनी है, आपने सबसे पूछ लिया कि कौन से कलर की गाड़ी लेकर आए, उसमें अगर आप अपनी पत्नी से भी पूछ लेते हैं कि कौन से कलर की गाड़ी लेकर आए, तो उस समय उस पत्नी को अपनी इंपॉर्टेंट महसूस होती है, उसे लगता है कि उसकी भी कोई वैल्यू है। तो आप समय समय पर अपनी पत्नी की राय लेते रहे। मान लीजिए आपने कोई घर खरीदना है, ऐसे समय में भी आप अपनी परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी की भी राय ले सकते हैं कि कौन सी जगह पर हम लोग घर खरीदें, कैसा घर खरीदें, घर में क्या चीज लेकर आएं, क्या चीज लगाएं। अगर आप ऐसा पूछते हैं तो अब आपकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे आपसे ना भी कहे फिर भी आपको उनकी राय जरूर लेनी है। इसमें थर्ड बात का जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पत्नी आपसे चाहती है कि उसका पति केयरिंग नेचर का हो, उसका ध्यान रखे, छोटी छोटी चीजों को उसे ला कर दे, जो चीजें उसकी जरूरत की हैं कम से कम उसका तो ध्यान जरूर रखे। ऐसे ही कुछ दिन पहले मैं मार्केट जा रही थी, वहां पर मैंने देखा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ का पार्लर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। शायद उन लोगों को शादी में जाना था, इसलिए जैसे ही उसकी पत्नी पार्लर से बाहर निकली तो उसने अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। जब उसकी पत्नी अच्छे से बैठ गई तब वो आकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों वहां से चले गए, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन एक लड़की को, एक पत्नी को ये बहुत ही अच्छी लगती है कि उसका पति उसकी केयर करता है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपनी पत्नी की समय समय पर तारीफ करें। एक पत्नी चाहती है कि उसका परिवार उसकी तारीफ करे या ना करे, कोई बाहर वाला भी उसकी तारीफ करे या ना करे, लेकिन जब उसका पति उसकी तारीफ करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन अक्सर पति इसी बात पर गलती कर जाते हैं, वो अपनी पत्नी की तारीफ करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आज के बाद आपको अपनी पत्नी की छोटी सी भी बात में अच्छाई नजर आती है तो उसकी तारीफ जरूर करें। इसमें नेक्स्ट बात जो होती है कि एक पत्नी चाहती है कि उसके पति का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। यानी हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही एक लड़का लड़की की शादी होती है, शादी के बाद कुछ समय तक तो दोनों के बीच में खूब सारी नोकझोंक चलती रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं जिससे उनके बीच में खुशनुमा माहौल बना रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी वाला समय व्यतीत करना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक लड़की चाहती है कि उसका पति का सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे ही बना रहे, तो इसके लिए आप कभी उनकी प्लेट में से उठाकर कुछ खा सकते हैं, कभी उनका हाथ पकड़ सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें बहुत खुशी देती हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। कुछ समय के बाद पत्नी अपने पति के पास आती है और उससे कहती है कि चलिए हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पति भी एग्री कर जाता है कि ठीक है, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि चलिए आप मुझसे माफी मांग लीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके जीवन में रंग भर देती हैं। इसमें नेक्स्ट जो बात है कि एक पत्नी अपने पति से चाहती है कि उसका पति उसके साथ शॉपिंग पर भी कभी कभी जाए। मानती हूं कि पत्नी ये बात कहती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती है कि उसका पति भी उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाए। इसलिए जब भी समय हो, थोड़ा भी बहुत समय हो, मान लीजिए संडे का समय है या तो फिर किसी दिन ऑफिस में छुट्टी है, उस दिन अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जरूर जाएं, उनके साथ खुशी के पल जरूर स्पेंड करें। ये पत्नी को खुशी देती है। अब तो ये साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है कि पत्नियां शॉपिंग पर सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो उनको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। चाहे आप घर का राशन ही लेने जाएं, अगर इकट्ठे जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसमें नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। क्वालिटी टाइम मीन्स कि जब आप ऑफिस से घर आ जाते हैं उस समय आप अपनी पत्नी के पास कुछ समय के लिए बैठें, उनसे पूछें कि आपका आज का दिन कैसा रहा, आपने घर पर क्या किया, आप अपना बताएं कि आपने घर ऑफिस में क्या किया, ऑफिस की कोई बात उनके साथ शेयर करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कई बार हस्बैंड हम देखते हैं कि ऑफिस से घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर से ऑफिस चले जाते हैं। तो ये एक पत्नी को नहीं चाहिए, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। साथ ही अगर आपके पास समय है तो आप घर के काम में उनका थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि कई बार तो जो औरतें घर पर रहती हैं, हाउस वाइफ है, वो तो कभी कहेंगी ही नहीं। लेकिन अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, उस समय अगर आप दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, काम भी जल्दी निपटता है और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के बाद आपको अपनी पत्नी की भरपूर तारीफ करनी है, उनके साथ शॉपिंग में जाना है, उनके खास पलों का ध्यान रखना है, उनकी वैल्यू करना है, उनकी राय लेनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात को मानना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, तो देखना आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका गृहस्थ जीवन बहुत खुशहाल बना रहे। बाय।